कोनी लिमिटेड बेस्ड इन कोलालंपुर इज द मलेशियन सब्सिडरी ऑफ जापान्स एनवाई कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर्ड इन टोक्यो। कोनीज प्रिंसिपल मलेशियन बिजनेस इंक्लूड मार्केटिंग सेल्स एंड आफ्टर सेल्स सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। कोनी सेट अप अ न्यू फैक्ट्री इन पिनांग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इंटीग्रेटेड सर्किट Q50XN। पिनांग मलेशिया में एक जगह का नाम है, जैसे कोलालंपुर है वैसे पिनांग है। द फर्स्ट क्वार्टर्स बजटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स वेयर 2000 यूनिट्स एंड बजटेड सेल प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट वेयर एज फॉलोज। ये RM क्या है सर? ये एक्चुअली मलेशियन करेंसी का नाम है। वो रिंगेट बोलते हैं हमारे, मलेशियन रिंगेट, RM रिंगेट मलेशिया ऐसा कुछ सोच के डाल दिया गया हो। सो आप देखिए, सेल प्राइस है, कॉस्ट में दो कॉस्ट है, एक सर्किट एक्स, सर्किट एक्स इज 10 यूनिट्स एट RM 2.5, तो ये मटेरियल हो गया। डिजाइनर का आवर्स है, तो ये लेबर कॉस्ट हो गया। देन स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, एक्चुअल में 2000 यूनिट बनाया, प्रोडक्शन कॉस्ट भी 2000 का लगा। सर्किट एक्स कितना यूनिट यूज़ हुआ और डिज़ाइनर का आवर्स कितना यूज़ हुआ, यहाँ पे फिगर्स इन थाउजेंड है, तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन बता दिया। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन एक्चुअल रिजल्ट। इन टोटल द परफॉर्मेंस अग्रीड विद द बजट। कैसे? देखो, एक यूनिट से 13 रुपया कमाना था, रुपया ही बोलते हैं ठीक है, अपने को RM का आदत नहीं है। 13 × 2000 26,000 आना था और 26,000 आया है। हाउएवर इन एवरी रेस्पेक्ट अदर देन वॉल्यूम देर वेर ह्यूज डिफरेंसेस। सेल्स वेर मेड एट वॉट वॉज सपोज टू बी द हाइएस्ट फिजिबल प्राइस, बट वी नाउ फील दैट वी कुड हैव सोल्ड फॉर RM 82.5। वी कुड हैव सोल्ड फॉर RM 82.5 विथ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। तो मार्केट को ऑब्जर्व करके बोल रहा है कि हम और बेटर प्राइस पे बेच सकते थे। हम लोग का स्टैंडर्ड प्राइस था 50, बोल रहा है आप 82.5 पर यूनिट पे बेच सकते थे, 50 की जगह 82.5 पे बेच सकते थे। तो ये क्या हो रहा है ना, ये रिवाइज स्टैंडर्ड की बात हो रही है। द सर्किट एक्स कॉस्ट दैट वॉज एंटिसिपेटेड एट द टाइम द बजट वॉज प्रिपेयर्ड वॉज RM 2.5। यस, ये एंटिसिपेटेड था, मतलब ये सारा एक्स आंते बजट है। रिवाइज कर रहा है नीचे एक एक आइटम को, फिर बोल रहा है बजट वॉज प्रिपेयर्ड वेन RM वॉज 2.5। हाउएवर जनरल मार्केट प्राइस रिलेटिंग टू एफिशियंट परचेज ऑफ सर्किट एक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर वॉज 4.25 पर यूनिट। तो ये फिर से रिवाइज हो गया, 4.25 बोल रहा है। जैसे ये यदि एक्स आंते था, ये यदि एक्स आंते था तो एक्स पोस्ट 82.5 होगा, और ये आपका 4.25 होगा। सर्किट डिजाइनर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट मेकअप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। सर्किट डिजाइनर्स कॉस्ट रोज ड्रामेटिकली विथ इंक्रीज डिमांड फॉर द स्पेशलिस्ट स्किल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Q50 एंड द जनरल मार्केट रेट वॉज 3.125 पर आवर। सो ये भी रिवाइज हो रहा है कि जनरल मार्केट रेट जो सोचे थे 2 बट था वो 3.125। ऑल्दो कोनी ऑलवेज पेड बिलो द नॉर्मल रेट वेन एवर पॉसिबल। तो कोनी ने क्या रेट पे किया वो एक्चुअल टेबल में दिखेगा।
In my opinion, it is not necessary to measure the first quarter's performance through variance analysis. बाप रे बाप, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलता है वेरियंस एनालिसिस का जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि टोटल में तो मैच हो गया. फर्दर, आवर ऑपरेशंस आर फुल्ली एफिशिएंट एज द फाइनल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ओरिजिनल बजट. ये क्या गजब बात कर रहे हैं, आपका टोटल में कॉन्ट्रीब्यूशन बजट और एक्चुअल मैच हो गया, इसका मतलब अंदर में वेरियंस नहीं आया होगा क्या? बजट एक्चुअल सेम होने पे भी बहुत सारा वेरियंस कॉम्पेंसेट होके आ रहा होगा. कमेंट ऑन द मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्यू, ये व्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते भाई. आप जो बोल रहे हैं कि अगर आपका ऑपरेशन एफिशिएंट है इसलिए कि आपका ओरिजिनल प्रॉफिट जो सोचे थे वो एक्चुअल में आ गया, इसलिए कोई वेरियंस का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है. वेरियंस तो यहाँ पे दिख रहा है. तो इसके बात में कमेंट करने के पहले आपको एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. अब ये सब क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जहाँ पर करना क्या है ये नहीं क्लियर है. ऐसा लग रहा है कि कोई थ्योरी लिख के आना है बस, राइट? इसलिए मेरा रोल है, इसलिए मेरा रोल है कि आपको ये फील ना हो कि सिर्फ थ्योरी लिख के आना है. माई रोल इज देयर दैट यू शुड नॉट जस्ट फील कि इसमें थ्योरी लिखना है. इसमें करना क्या है, व्हाट वी नीड टू डू इज वी विल फर्स्ट प्रिपेयर द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कीपिंग ऑल दिस प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग वेरियंस इन माइंड, एक्स पोस्ट एक्स आंते स्टैंडर्ड इन माइंड, एंड देन वी विल कॉमेंट. कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट लास्ट में बोल गया ना, कंक्लूड कर गया कि यहाँ पर आपको कोई भी परफॉर्मेंस एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है, ये गलत बोल गया. ठीक है, तो जब तक हमारे पास वेरियंस का रिपोर्ट नहीं होगा, हम कैसे इसको खारिज करें इसके कॉमेंट को? तो वेरियंस रिपोर्ट हाथ में चाहिए, फिर उसके बेस पे हम बोलेंगे कि आप बोल रहे थे देखो कोई वेरियंस एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोलेंगे क्योंकि आपका बजट और एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन मैच हो गया. बट फिर भी आप देखिए, प्लानिंग के कारण इतना आया है, ऑपरेटिंग के कारण इतना आया है, इसमें इतना वेरियंस है, इसमें इतना वेरियंस है, जिसका ये अंजाम हो सकता है, इसलिए वेरियंस रिपोर्टिंग को आपको करना ही चाहिए, ऐसा करके कमेंट करेंगे. बट खाली बोलने से नहीं हुआ ना बेटा, करना पड़ेगा. तो चलिए आइए करते हैं. फ्लो क्या है सम सॉल्व करने का? सबसे पहले फ्लो नंबर वन है, वेरिएबल कॉस्ट का सारा कार्ड बना लो. फिर फिक्स कॉस्ट तो यहाँ है नहीं, तो वो फ्लो का नंबर टू बच गया, फिक्स कॉस्ट का, नहीं तो बजट एक्चुअल डिटेल लिखते. फिर थर्ड नंबर प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कार्ड बना लो, इससे क्या है पूरा चीज़ सज जाता है. उसके बाद आप आराम से अपना वेरियंस एनालिसिस करो. सो इस बार जब वेरिएबल कॉस्ट का हम लोग कार्ड बनाएंगे ना, तीन कॉलम में बनाएंगे क्योंकि रिवीजन हो रहा है बीच बीच में, आपने देखा ना. ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर एओ लिखेंगे, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड फॉर एओ लिखेंगे, और फिर एक्चुअल लिखेंगे. क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट. मटेरियल इज सर्किट एक्स, एक्सक्यूज मी. सो एक यूनिट के लिए है 10, एक्चुअल आउटपुट हमारा बना है 2000 ही, सेम. सो 10 इंटू 2000
20,000 ओरिजिनल रेट है 2.5, 50,000 रिविजन में बोल रहा है रेट हो गया 4.25, क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है, खाली रेट चेंज हुआ है। तो ये कितना आ रहा है देखिए, 80 और 5, 85,000। फिर एक्चुअल में ₹21,600 है, फोर पॉइंट फाइव है, ₹97,200 है। देन डिजाइनर्स डिजाइनर का एक यूनिट के लिए 6 घंटा है, तो 2,000 के लिए होगा 6 × 2,000 12,000 रेट 2 रिंगेट, ₹24,000 फिर यहाँ पे रेट रिवाइज करके आ रहा है 3.125। देखा आपने, जब सम्स में लगे होते हैं ना तो पानी पीने का जरूरत कम पड़ता है, जब थ्योरी बोल रहे होते हैं तो पानी पीने का जरूरत ज़्यादा पड़ता है। 37,500 एक्चुअल में 11,600 है, 34,800 है, ₹3 आ रहा है। फिर सर्किट डिजाइनर, सॉरी सर्किट डिजाइनर तो हो ही गया, मटेरियल और लेबर ही तो था, इसके बाद अब कंट्रीब्यूशन का करेंगे। वर्किंग नोट टू, कंट्रीब्यूशन कार्ड। बस फर्क क्या है, उधर ओरिजिनल बजट बोल देना फॉर बजटेड आउटपुट, रिवाइज्ड बजट फॉर बजटेड आउटपुट, एंड देन एक्चुअल आ जाएगा। आउटपुट रेट अमाउंट, आउटपुट रेट अमाउंट आउटपुट रेट अमाउंट
सो आउटपुट है यहां पर 2000, स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन का रेट था 13, 26,000, ठीक है। फिर रिवाइज्ड में 82.5 प्राइस बढ़ा दिया गया है, 82.5 प्राइस बढ़ा दिया गया है, तो रिवाइज सेलिंग प्राइस 82.5 ठीक है। जैसे यहां पर तो आपका एक सेलिंग प्राइस भी था ना, 13 कब आया था, 50 माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट करके आया था, विच इज 37, तो ये 13 रुपया आ गया था। रिवाइज्ड बजट में प्राइस को रिवाइज किया गया 82.5। और यहां पर एक्चुअल में क्या प्राइस हुआ है देखिए, एक्चुअल सेलिंग प्राइस वन फिफ्टी एट और 2000 से डिवाइड करिए, वन लैख 58,000 को 2000 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 79। वॉल्यूम रिवाइज नहीं हो रहा है, 2000 ही आ रहा है और यहां पे भी 2000 ही है। क्वेश्चन उठ रहा है कि यहां पर जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा वो कौन सा आएगा,
क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल में से स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो ही स्टैंडर्ड रेट्स आएंगे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा वो कौन सा आएगा? क्या मैं नया स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालूं यूजिंग दिस टू? कोई जवाब है? पूछ रहा हूं आपसे, बोलेंगे तो बोलिए, वेट कर रहा हूं। थोड़ा सोचिए, कोई हड़बड़ नहीं है, मैं तो बोलने में बोल दूंगा। मैं तब तक गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। प्रॉफिट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चल रहे हैं। क्वेश्चन में तो मांगा नहीं था, तो ये भी एक वर्किंग नोट का ही पार्ट हुआ, वर्किंग नोट 3। सिंस इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात हो रहा है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच से ही चल रहा ऑटोमेटिक। और इसकी खूबी क्या रही कि यहाँ पर आप बजटेड कंट्रीब्यूशन से ही करोगे स्टार्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कहीं पे भी नहीं है। अब बजटेड कंट्रीब्यूशन जो होगा वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाला होगा, ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाला। ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाला अमाउंट कितना था? 26,000 था। नॉर्मली अपने प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? प्राइस वेरिएंस लिखते हैं, फिर प्लानिंग ऑपरेटिंग लिखते हैं, वॉल्यूम वेरिएंस लिखते हैं, फिर प्लानिंग ऑपरेटिंग लिखते हैं। एक और एक तरीका और भी हो सकता है, आप चाहो तो अलग अलग कॉलम बना सकते हो, प्लानिंग ऑपरेटिंग।
प्रेजेंटेशन के अलग अलग रूप हैं, इससे क्या समझ में आ जाएगा, टोटल प्लानिंग वेरिएंस कितना है, टोटल ऑपरेटिंग वेरिएंस कितना है। पहले सोचिए, मैंने सेल्स प्राइस वेरिएंस या प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, जिसके जगह अभी नाम बोलना होगा कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस ले लिया, कंट्रीब्यूशन प्राइस और सेल्स प्राइस एक ही है। कंट्रीब्यूशन प्राइस अज्यूम करता है कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट, जो भी स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट है, वो हर केस में सेम होगा, तभी सेल्स प्राइस और कंट्रीब्यूशन प्राइस इक्वल होगा। आपको समझ में आ रहा है, इससे कुछ राज खुल रहा है। मैंने आपको एक चीज समझाया था ना, सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशन प्राइस हमेशा सेम क्यों आता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन प्राइस निकालने के लिए यहां पर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगेगा और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगेगा। स्टैंडर्ड आता है स्टैंडर्ड एसपी माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट से, और एक्चुअल आता है एक्चुअल एसपी माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट से। सो दोनों में जो कॉस्ट है वो सेम होगा ना, तभी एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस आपका सेम होगा। जब तक दोनों में कॉस्ट सेम नहीं होगा, तब तक ये दोनों सेम नहीं होगा, और ये मुझे पूरा सेम रखना पड़ेगा जिससे कंट्रीब्यूशन प्राइस और सेल्स प्राइस सेम रहे। इससे भी कुछ समझ में आ रहा हो, आपको हिंट मिल रहा हो, ऊपर का सवाल का जवाब मिल रहा हो। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ चेंज कर दूंगा ना, तो होगा क्या, फिर मेरा वो फंडा खत्म हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन प्राइस और सेल प्राइस इक्वल होता है, वो फंडा खत्म हो जाएगा। आई एम बाउंड टू टेक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम इन ऑल केसेस। सर जो फिर कॉस्ट रिवाइज हुआ उसका क्या, वो कॉस्ट जो रिवाइज हुआ वो कॉस्ट वेरिएंस में इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो एनीवे आपको कंट्रीब्यूशन प्राइस की जरूरत नहीं है, आप सेल प्राइस से देख लो। 50 और 82.5 को कंपेयर करोगे, 50 और 82.5 को कंपेयर यदि करोगे, तो आपका प्लानिंग वेरिएंस आ जाएगा कि 50 सोचा था बट 82.5 लाया जा सकता था, तो प्लानिंग वेरिएंस में आ रहा है 82.5। यहाँ नहीं लिखेंगे इतना छोटा सा जगह में, यहीं पे वर्किंग करेंगे। 82.5 माइनस 50 इंटू 2000, ये कितना आ रहा है देखिए, $65,000 फेवरेबल आ रहा है। और ऑपरेटिंग में आप इन दोनों को कंपेयर करिए, $79,000 माइनस 82.5 इंटू 2000, यह आ रहा है 7,000 एडवर्स, सॉरी ऑपरेटिंग में लिखना था। दोनों का नेट करके आप यहां लिख सकते हैं, सोचिए सेंटर में लिख दिया 58,000 फेवरेबल, नेक्स्ट वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वेरिएंस 2000 2000 ये ना, तो ये आ नहीं रहा, तीनों में निल है। अब आप बैठा सकते हो ना ये फिगर्स ऊपर में, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस और सेल प्राइस वेरिएंस सेम ही रहता है हमेशा, उसके बेस पे ध्यान रखना है कि सब में स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम ही बैठेगा, वरना कंट्रीब्यूशन प्राइस से जो आंसर आएगा और सेल प्राइस से जो आंसर आएगा अलग अलग हो जाएगा। फिर आगे आपका कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस में सर्किट एक्स का प्राइस वेरिएंस, सर्किट एक्स का प्राइस वेरिएंस, पहले आप इन दोनों को कंपेयर करके प्लानिंग निकालिए। 2.5 सोचा था बट वो बढ़ के 4.25 हो गया, तो एक्स्ट्रा ही हो गया,
और एक्स्ट्रा प्राइस हो गया 2.5 से 4.25, 2.5 से 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 कितना आ रही है देखिए, 2.5 माइनस 4.25 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 यह आ रहा है 35,000 एडवर्स प्लानिंग में। नेक्स्ट ऑपरेटिंग का वर्किंग करिए, जिसमें इन दोनों को कंपेयर करिए, ये स्टैंडर्ड और ये एक्चुअल है, तो 4.25 की जगह 4.5 लग गया इंटू 20,000। पांच हजार एडवर्स सॉरी, मैं 20,000 क्यों ले रहा हूं, यहां पे 21,600 होगा, क्वांटिटी भी तो चेंज हो गया ना फिर। यहां पे क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ है, यहां पे क्वांटिटी चेंज हो गया है। तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, सो 21,600 होगा। पांच हजार चार सौ एडवर्स, फिर सर्किट एक्स का यूसेज वेरिएंस, यूसेज में आप देखिए यहां पे क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ ना, इसलिए प्लानिंग में यूसेज वेरिएंस नहीं आएगा, बट इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करके, इन दोनों को कंपेयर करके ऑपरेटिंग में यूसेज वेरिएंस आएगा। ट्वेंटी थाउजेंड माइनस 21,600 इंटू ये वाला को आप स्टैंडर्ड मानिए, रिवाइज स्टैंडर्ड जब सीन में आ गया तो वो स्टैंडर्ड का जगह ले लिया। 20,000 माइनस 21,600 इंटू 4.25, तो ये आ रहा है 6,800 एडवर्स, सो बाहर में भी बैठ गया 6,800 एडवर्स। नेक्स्ट डिजाइनर का करिए, डिजाइनर का रेट वेरिएंस, टू माइनस 3.125 प्लानिंग में इंटू 12,000, तेरह 500 एडवर्स आ रहा है।
फिर 3.125 और 3 को कंपेयर करिए, ग्यारह 600 आ रहा है। चौदह सौ पचास फेवरेबल इंटू ग्यारह 600 करना है यहाँ पे, दोनों को नेट ऑफ करिए, 12,050 एडवर्स आएगा। देन डिजाइनर का एफिशिएंसी वेरिएंस, डिजाइनर का एफिशिएंसी वेरिएंस देखिए, आवर्स यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो प्लानिंग नहीं है, ऑपरेटिंग है सिर्फ। 12,000 माइनस 11,600 इंटू 3.125, 1250 फेवरेबल। फिक्स कॉस्ट यहाँ सीन में है नहीं, तो ये जो रिजल्ट है यही एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी 26,000 ही आने का बात है, आप चेक करो, फेवरेबल ऐड करो, एडवर्स माइनस करो। आप चाहो तो प्लानिंग का भी टोटल वेरिएंस देख सकते हो, 65,000 माइनस 35 माइनस 13,500, सोलह 500 एडवर्स आ रहा है। और यहाँ पे 16,500 फेवरेबल आ रहा, नहीं उल्टा लिखा मैंने, ये फेवरेबल आ रहा है, ये एडवर्स आ रहा है। सो अंजाम क्या हुआ कि जितना प्लानिंग फेवरेबल हुआ उतना आपका ऑपरेटिंग में एडवर्स होके कॉम्पेंसेट होके एक्चुअल कंट्रीब्यूशन सेम आ गया। इसमें कई बार मन में आता है, सर यहां पे आप एक तरह से प्लानिंग ऑपरेटिंग को ऐड कर रहे हैं, यस, तो क्या ये इट इज इक्वल टू ट्रेडिशनल वेरिएंस है? नहीं, मैंने बोला था प्लानिंग और ऑपरेटिंग यदि आप कॉस्ट लेवल पे ऐड करोगे तो ट्रेडिशनल से मैच होगा। जैसे आप रेट का ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालिए, ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या होगा, 2 माइनस 3 इंटू 11,600 करना पड़ेगा, 2 माइनस 3 इंटू 11,600 आंसर आ रहा है 11,600 रेट का, लेबर रेट का, डिजाइनर का रेट का, बट आपका तो 12,050 आया। तो हम ट्रेडिशनल वेरिएंस नहीं निकालने गए ना, हम प्लानिंग अलग निकाले, ऑपरेटिंग अलग निकालें, सिर्फ एमसीवी लेवल में वो मैच होता हुआ दिखेगा कि जो प्लानिंग प्लस ऑपरेटिंग करके आ रहा है वही ट्रेडिशनल से आंसर आ रहा है, बट एमपीवी एमयूवी
या LRV LEV लेवल पे मैच होता हुआ नहीं दिखेगा। समझाया था ना, MCV लेवल मतलब उस लेवल का जो वेरियंसेज है उस पे प्लानिंग प्लस ऑपरेटिंग वेरियंस इज इक्वल टू ट्रेडिशनल वेरियंस मैच होगा, बट रेट और यूसेज में, प्राइस और एफिशिएंसी में मैच नहीं होगा। सो ये जब स्टेटमेंट बन गया ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अपने कमेंट्स लिख सकते हैं जो एक्चुअली हम लोग को एग्जाम में पूछा है। सम आसान भी बोल के नहीं था, एक तो पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है, खाली कमेंट बोल के लिखा था। दूसरा, ये कार्ड बनाने में फंस जाते हैं बहुत बार, ओरिजिनल रिवाइज एक्चुअल। तीसरा, ये कंट्रीब्यूशन कार्ड में यहाँ पर सब में स्टैंडर्ड कॉस्ट लेना है, इसमें फंस सकते हैं आप, तो स्कोप तो बहुत था फंसने का। कमेंट्स लिखिए, क्या बोल रहा था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एज पर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, देयर इज नो need to do variance analysis for the first quarter's performance as the Kony company ka naam hai na, Kony Limited has been able to achieve its budgeted contribution further management accountant further the management accountant is confident that its performance is efficient however the fact that the budgeted contribution matches the actuals does not imply that the performance is efficient. Does not imply that the performance is efficient. जरूरी नहीं है कि performance efficient हुआ होगा. Next para. There can be a compensatory effect within the variances. जैसे ट्रायल बैलेंस में नहीं बोलते थे क्या, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया टोटल तो क्या ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं है, ऐसा होता है क्या? कॉम्पेंसेटरी एरर भी तो हो सकता है,
there has been changes in actual business environment as a result of which the price of material, instead of material you can or you can write circuit X, the rate of designers and the selling price could be different . This needs to be first incorporated by revising the standards in bracket ex post the difference between original standard and revised standard is the responsibility of planning department whereas the difference between revised standard and actual is the responsibility of operating managers or operation managers. On analysis, it is revealed that there has been extra rate for circuit X and designers under X post standard. This extra
could be compensated by selling the circuit at an extra price as a result ₹16,500 favorable impact could be created. देखो लिखने का तरीका क्या है ना, वही जैसे लॉ लिखते हो ना वैसा ही है, फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजन एंड देन कंक्लूजन. तो फैक्ट्स ऑफ द केस फर्स्ट पैरा, प्रोविजन में आपको कॉन्सेप्ट घुसाना पड़ेगा. अब वो कॉन्सेप्ट कौन सा घुसेगा ये किसी को नहीं पता है. इस सब में कंसेप्ट घुस रहा है कि आपका प्लानिंग वेरिएंस कैसे निकालते हैं और ऑपरेटिंग वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इस सब में ये घुस रहा है. फिर आपका जो एनालिसिस आपने किया उसको लेके कंक्लूड कर रहे हो. देखो कि प्लानिंग वेरिएंस में हमने देखा था 16,500 फेवरेबल आ सकता था, आपने देखा होगा ऊपर में 16,500 फेवरेबल आ सकता था, दो का रेट बढ़ा बट एक्स्ट्रा प्राइस पे बेच सकते थे, मतलब 16,500 से प्रॉफिट बढ़ाया जा सकता था. नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द लास्ट पैराग्राफ, द ऑपरेटिंग वेरिएंसेस रिवील दैट ऑपरेटिंग वेरिएंसेस रिवील दैट the operation managers could not achieve their standards, achieve their ex post standards resulting into an adverse impact of ₹16,500. By efficient management, दिस एडवर्सिटी कुड बी एलिमिनेटेड. अगर ये एलिमिनेट हो जाता ना, कंपनी का प्रॉफिट 16,500 से ज्यादा आता. प्लीज पार्डन मी फॉर राइटिंग रुपीज बिकॉज आई जस्ट रियलाइज दैट इट इज नॉट रुपीज, इट इज रिंगेट, RM. दिस एडवर्सिटी कुड बी एलिमिनेटेड. तो आपका इनकम बढ़ सकता था बट आप तो शांत हो गए ना कि 26-26 मैच हो गया. अरे भाई अगर आप बुद्धि लगाते तो 16,500 और बढ़ सकता था, नेट इम्पैक्ट 16,500 का तो आ ही सकता था पॉजिटिव. ये तो एडवर्स हो गया 16,500 से. अब अगर आप इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं बट आपको कोई फ्लो नहीं मिलेगा, वो पूरा घिचपिच है, मतलब कोई रिदम नहीं है. हम लोगों ने एक रिदम फॉलो किया. क्या रिदम, मैं आपको वो बता देता हूँ कि पहले मैंने मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कमेंट्स को एनालाइज किया कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस सेम है, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई वेरिएंस रिपोर्टिंग का जरूरत नहीं है. इट डज नॉट इम्प्लाई दैट द परफॉर्मेंस इज एफिशिएंट, क्योंकि आपका बजट एक्चुअल मैच हो गया है. क्यों
क्यों ऐसा मैं बोला उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। पहले मैंने बोला कि आप जो बोल रहे हो सही नहीं बोल रहे, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि देयर कैन बी कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट, ठीक है। फिर मैं बताया कि देखो आपके यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपके यहाँ पर एक्चुअल एनवायरनमेंट में चेंजेस आया है जिसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना चाहिए एक्सपोस्ट, और फिर ओरिजिनल स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है ऑपरेशन मैनेजर्स का। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो भी एक्स्ट्रा रेट हमने डिज़ाइनर को दिया और सर्किट एक्स का होने का बात था एज पर करेंट सिनेरियो, वो सब कॉम्पेंसेट हो रहा है बाय रेजिंग द प्राइस। उससे 16,500 फेवरेबल इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता था, ये प्लानिंग का एनालिसिस से आया। और ऑपरेटिंग एनालिसिस से पता चला कि ये लोग वो जो टारगेट सोचे उससे नीचे चले, तो 16,500 एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट किए। सो एफिशिएंट मैनेजमेंट होता तो ये 16,500 बच जाता आपका, मतलब आपका एक्स्ट्रा फायदा हो सकता था, बट नहीं हुआ आपको।